हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद जीडी में। मैं हूं आपका दोस्त घनश्याम धनगर। दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। इनके माध्यम से हम कुछ प्रश्नों को जानेंगे जो हमारे एमपीपीएससी, एसएससी, विभिन्न राज्यों की परीक्षाएं या राज्य स्तरीय जो पीएससी परीक्षाएं होती हैं उनकी दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, संघ सरकार के कर राजस्व में सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, मतलब किस टैक्स से सबसे ज्यादा आय केंद्र सरकार को होती है। तो वो है दोस्तों सीमा शुल्क। सीमा शुल्क से सबसे ज्यादा आय होती है। कहीं कहीं केंद्र के लिए सबसे बड़ा राजस्व कर के रूप में दोस्तों निगम कर भी बताया जाता है। यदि पेप्सी की कीमत कोक तथा सेवन अप की कीमत की तुलना में घट जाए तो कोक तथा सेवन अप की मांग घट जाएगी। मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मांग घट जाएगी। जो सस्ती होगी वो ज्यादा बिकेगी और जो महंगी होगी वो कम बिकेगी। नियत लागत को और किस नाम से जानते हैं, तो इसको बोलते हैं मूल लागत। नियत लागत या मूल लागत मतलब जितना खर्चा कुल मिलाकर हो रहा है। भारत किस देश को सबसे अधिक निर्यात करता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका को भारत सबसे अधिक निर्यात करता है और हमारा व्यापार अधिकांश या व्यापार अधिशेष अमेरिका के साथ बचता है। यही चीन की तुलना में देखें दोस्तों, तो चीन हमें ज्यादा निर्यात करता है, हम उसे कम निर्यात कर पाते हैं। अगला है दोस्तों, दीर्घ अवधि वाली साम्यावस्था में कोई प्रतियोगी फर्म क्या अर्जित करती है, तो वो अधिसामान्य लाभ अर्जित करती है। साम्यावस्था में कोई प्रतियोगी फर्म जो होती है वो हमेशा दीर्घ अवधि में लाभ में ही होती है। उत्पादन प्रकार के साथ किसका संबंध होता है, तो आगत और निर्गत का संबंध होता है। क्लासिकी प्रणाली के अनुसार बचत किसका प्रकार है, तो कीमत स्तर का प्रकार बचत है। वो स्थिति जिसमें माल को तभी उपलब्ध कराया जाता है जबकि कीमतों में वृद्धि हो चुकी हो, तो उसको क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं कालाबाजारी। कालाबाजारी में होता क्या है दोस्तों, माल इकट्ठा करके गोदाम में रख दिया जाता है और जब उसकी शॉर्टेज हो जाती है या उसकी आपूर्ति ठप हो जाती है तो उसको ज्यादा मूल्य लेकर बेचा जाता है, पर इसे सामान्य भाषा में हम कालाबाजारी कहते हैं। आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे, तो आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के जो प्रवर्तक थे दोस्तों वो थे दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी ने ही पहली बार बताया कि ब्रिटिश लोग जो हैं हमारे भारत की आर्थिक व्यवस्था को तबाह कर रहे हैं और हमारे भारत को वो लूट रहे हैं। क्या प्रारंभ करने के बाद अन्न की वितरण प्रणाली को दो स्तरों पर होने लगी है, लक्ष्य के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत ये किया गया है। भारत में चालू उपभोग के स्तर में वृद्धि के कारण एक कौन सा भावी परिणाम होने वाला है, तो भविष्य में अधिक पूंजी संचय इसका एक परिणाम हो सकता है। अगला देखते हैं दोस्तों, किस पदार्थ का मूल्य घट जाने पर भी उसकी मांग में वृद्धि नहीं होगी, तो दोस्तों ऐसा जो पदार्थ है वो है नमक। नमक का मूल्य कम हो जाने पर दोस्तों कोई ज्यादा नमक नहीं खाएगा, ये हमेशा स्थिर ही बना रहेगा, इसकी मांग हमेशा स्थिर ही बनी रहेगी। अगर इसका मूल्य बढ़ता भी है दोस्तों तो भी इसकी मांग में ज्यादा कमी नहीं होगी। मिश्रित अर्थव्यवस्था किस आर्थिक प्रणाली का संदर्भ है, तो जिसमें सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों साथ साथ काम करते हैं उसको बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्थाएं वैसे दोस्तों तीन प्रकार की होती है। एक होती है पूंजी प्रधान जिसमें सभी काम निजी लोगों द्वारा किए जाते हैं। एक अर्थव्यवस्था होती है साम्यवादी अर्थव्यवस्था या समाजवादी अर्थव्यवस्था जिसमें सारे के सारे काम सरकार करती है। और अगले हैं दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार और निजी लोग दोनों मिलकर काम करते हैं। भारत में इसी प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं, तो 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। कराधान के अधिनियमों का प्रवर्तक कौन था, तो ये था दोस्तों एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने जो टैक्सेशन के जो नियम है या अधिनियम है उनको तैयार किया था। राज्य सहकारी बैंकों को वित्त प्रदान करने का कार्य कौन करता है, तो ये करता है भारत का रिजर्व बैंक, इसीलिए इसे बैंकों का बैंक भी बोलते हैं दोस्तों। भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में सर्वोच्च उत्पादकता है, तो ये है कृषि में। कृषि में सर्वोच्च उत्पादकता होती है। राष्ट्रीय आय लेखा द्वारा किसके संपूर्ण आय और व्यय का अध्ययन होता है, तो यह है अर्थव्यवस्था के आय और व्यय का अध्ययन होता है दोस्तों। राष्ट्रीय आय लेखा मतलब सीएसओ। अगला है राज्य सरकार के राजस्व का स्रोत क्या है, तो वो है कृषि आय कर। कृषि आय पर कर लगाकर राज्य सरकारें आय अर्जित करती है। सरकारी बजटों में जीरो बेस बजट सबसे पहले कहां प्रस्तुत किया गया था, तो दोस्तों ये किया गया था यूएसए मतलब अमेरिका में। सबसे पहले शून्य आधारित बजट या जीरो बेस बजट प्रस्तुत किया गया था। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भरता था, तो दोस्तों ये थी चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भरता रखा गया था, परंतु वर्तमान में दोस्तों पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर दिया गया है और पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माता योजना आयोग को भी समाप्त कर दिया गया है। अब योजना आयोग की जगह नीति आयोग आ गया है दोस्तों। राष्ट्रीय आय के आकलन की
तैयारी किसका दायित्व है? तो यह है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का, सीएसओ का यह दायित्व है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता? तो दोस्तों ये होता था प्रधानमंत्री। योजना आयोग की जगह अब नीति आयोग आ गया है और नीति आयोग का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है। दीर्घकाल में भी भूमि पर किराया क्यों लिया जाता है? क्योंकि इसकी पूर्ति दीर्घकाल में बेलोच होती है, मतलब भूमि वो की वही रहेगी और नई भूमि पैदा नहीं की जा सकती, इसीलिए उसका किराया लिया जाता है। अगला है दोस्तों, मुद्रा स्फीति एवं मूल्य वृद्धि के काल में मुद्राओं की आपूर्ति में क्या होता है? तो मुद्राओं की पूर्ति बढ़ जाती है। मुद्रा स्फीति मतलब बाजार में ज्यादा धन का आगमन हो जाता है, तो उसको बोलते हैं मुद्रा स्फीति, और जब इनमें कमी हो जाए तो उसको बोलते हैं मुद्रा की अवस्फीति। अगला है दोस्तों, किसके निर्यात द्वारा सर्वाधिक विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है? तो वो है रत्न एवं आभूषणों के द्वारा। भारत के गुजरात राज्य का जो सूरत सिटी है दोस्तों, वहां पर विश्व के 90% आभूषणों और रत्नों का परिष्करण किया जाता है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है मनीला में। ये फिलीपींस की राजधानी भी है दोस्तों, और यहीं पर एशियाई विकास बैंक या एडीबी का मुख्यालय स्थित है। एमएसएक्स टेक्नोलॉजी किसके द्वारा प्रारंभ की गई? तो यह की गई थी इंटेल द्वारा। किस व्यक्ति ने संपत्ति के श्रम सिद्धांत के पक्ष में समर्थन किया था? तो वो था JS मिल। JS मिल ने संपत्ति के श्रम सिद्धांत का समर्थन किया था। अगला है दोस्तों, दोहरी कीमत निर्धारण का अर्थ क्या है? तो प्रशासन द्वारा निर्धारित कीमत और खुले बाजार की कीमत अगर दोनों लागू हो जाए एक साथ, मतलब सरकार एक कोई दाम फिक्स कर दे पर माल बेचने वाला उसको बढ़ाकर दाम बेचेगा, दोस्तों एक तो ये और एक ये दोनों कीमतें हो जाएंगी, और इसी को बोलते हैं दोहरी कीमत निर्धारण। अगला है दोस्तों, आयात का अधिकतम भाग कहाँ से आता है? तो वो होता है ओपेक से। ओपेक ये तेल निर्यातक दोस्तों का देशों का समूह है दोस्तों। ये तेल निर्यातक देश जो इतने भी हैं वो हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज। ये मिलकर हमें सबसे ज़्यादा आयात निर्यात तेल का करते हैं, हम यहाँ से सबसे ज़्यादा तेल आयात करते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारे यहाँ तेल के ज़्यादा स्रोत नहीं हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निधि या मॉनिटरी फंड का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है Washington DC में। IMF भी बोल सकते हैं दोस्तों आप इसे शॉर्टकट में। जब किसी वस्तु X के स्थानापन्न की कीमत उतरती है तब X की मांग में क्या होगा? तो मांग उतर जाएगी, मतलब अगर X की स्थानापन्न की वस्तु, मतलब इसी के समान कोई वस्तु है, अगर उसकी मांग कम होती है तो क्या होगा? इसकी भी मांग कम हो जाएगी, मतलब वस्तुएं तो एक ही है, अगर आवश्यकता भी नहीं होगी लोगों को तो खरीदेंगे भी नहीं। एक 45 डिग्री का पूर्ति चक्र क्या प्रदर्शित करता है? तो एक 45 डिग्री का जो पूर्ति चक्र है दोस्तों, वो अर्थशास्त्र में इकाई लोचदार की पूर्ति को प्रदर्शित करता है। भारत में कृषि क्षेत्र में नियुक्त श्रमिक संख्या कुल श्रमिक संख्या का कितना प्रतिशत है? तो वो है 64%। वैसे दोस्तों वर्तमान में कम हो गई है, लगभग 53.9% के आसपास ये है, मतलब भारत की कुल जनसंख्या की जो कामगार जनसंख्या है उनका 53.9% कृषि में लगा हुआ है। एक कृषक द्वारा ट्रैक्टर का क्रय क्या है? तो ये नियत निवेश है। उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? तो वो है चावल। चावल का उत्पादन भारत में सर्वाधिक होता है, दूसरे क्रम पे गेहूं आता है दोस्तों। वस्तु विनिमय वो पद्धति है जिसमें क्या होता है? तो जिसमें एक वस्तु का दूसरी वस्तु से विनिमय होता है, मतलब एक चीज आपने बेची और उसके बदले में दूसरी चीज ले ली, मतलब यहाँ पर पैसे से लेन देन नहीं होता, इसे वस्तु विनिमय प्रणाली बोलते हैं दोस्तों, और प्राचीन काल में यही चलती थी सब जगहों पे। जब पूर्ण उपयोगिता एक बिंदु में अधिकतम है तब उपांत उपयोगिता कैसी होगी? तो वो होगी शून्य। जब कुल राजस्व के समान ही कुल लागत होती है तब उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं? संतुलन स्तर का बिंदु। पुण्य की कीमत और उसकी मांग का संबंध क्या है? तो वो है प्रतिलोम संबंध, मतलब इनमें विपरीत संबंध हमेशा से होता है। अगला है, कीमत के बढ़ने के कारण राष्ट्रीय आय के बढ़ने को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं राष्ट्रीय आय की में मुद्रा की बढ़त। मुद्रा बढ़ जाएगी क्योंकि कीमत बढ़ेगी दोस्तों, तो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। सरकार को जो पानी का शुल्क किसान अदा करता है वो किसे सूचित करता है? तो वो करता है मध्यवर्ती उपभोग को। मध्यवर्ती उपभोग को कौन सूचित करता है? तो किसान जो पानी उपयोग करने का शुल्क सरकार को देता है वो दिखाता है। लेखा के शब्दों में अंतिम माल का क्या तात्पर्य है? तो आरंभिक माल, उसमें किया गया निवेश, निवल निवेश, और उसमें से पूंजीगत हानि घटाने के बाद क्या आएगा? तो अंतिम माल। कोटा क्या है? तो आयात की मात्रा की सीमा को कोटा कहते हैं। जैसे कि 49% विदेशी निवेशकों के लिए भारत में कोटा निर्धारित किया गया है, तो वो क्या है? कोटा। कोटा नाम की एक सिटी भी है दोस्तों, तो आप कोटा से ये तात्पर्य ना लगाएं। भारतीय रिजर्व बैंक के मुक्त बाजार प्रचालन का क्या तात्पर्य है? तो ये प्रतिभूति का व्यापार मुक्त बाजार प्रचालन कहलाता है। अगला है दोस्तों, कृषि का व्यापारीकरण किसको सूचित करता है?
तो कृषि के व्यापारीकरण सूचित करता है विक्रय के लिए शस्य का उत्पादन, मतलब जहाँ फसल का उत्पादन ही बेचकर पैसे कमाने के लिए किया जाए उसे बोलते हैं व्यापारीकरण। मांग वक्र कीमत और मांग की मात्रा में कैसा संबंध प्रदर्शित करता है, तो ये व्युत्क्रमानुपाती और प्रतिलोम संबंध होता है। भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा अंश कहाँ से आता है, तो वो है प्राथमिक क्षेत्र से। जो जो उत्पादन में वृद्धि होती है औसत नियम लागत पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये हमेशा कम होती जाती है। तो दोस्तों ये थे अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न पसंद होंगे आए होंगे। अगर आपको ये प्रश्न पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा प्रयास कैसा लगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीडी को भी सब्सक्राइब करना आप लोग ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।